नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सुपर टेन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुपर टेन में इंडिया सुपर टेन से। मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाए सर्वदलीय बैठक। भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने लिया हिस्सा। बैठक में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, आरजेडी के नेता मनोज झा, पशुपति पारस, सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास मौजूद रहे। वहीं ममता बनर्जी और शरद पवार ने इस बैठक से दूरी बनाई। हालांकि बैठक में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पहुंचे थे। असम के 22 जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है, वहीं नदियां भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। रिपोर्ट की माने तो बक्सा, बारपेटा, चिरांग, दरांग, धुबरी, डिब्रूगढ़, कामरूप, कोकराझार, लखीमपुर, नलबाड़ी, सोनितपुर और उदलगुरी जिले में बाढ़ के कारण 4,95,700 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मुंबई के लोगों की शनिवार की सुबह काफी खुशनुमा रही। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मानसून मुंबई पहुंच गया और इससे पहले मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि 24 जून के आसपास मुंबई और कोकण में कई इलाकों में मानसून पहुंच सकता है। मुंबई में मानसून पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में 2 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया है। 26-27 जून को अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के संकेत दिए गए। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो हुआ। फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज ने अरवल किरी करवत में 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो का अभ्यास किया। 2 घंटे चलने वाले एयर शो के लिए 12 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया। इससे पहले 2018 में एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन ने टच एंड गो शो किया था। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी विरोधी दलों की बैठक ने एक फैसला लिया। कांग्रेस ने इसे सफल बताया। पार्टी नेता प्रेमचंद मिश्रा का यह कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 38% वोट पाकर सत्ता में आने वाली बीजेपी को 62% विरोधी मतों के एकजुट हो जाने के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। राजस्थान के सीकर जिले में गेम जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक विवाहिता को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। विवाहिता का संपर्क ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अलीगढ़ के रहने वाले तैयब नाम के लड़के से हुआ। तैयब ने उसे जाल में फंसाया, उसका नाम तक परिवर्तन कराया, जिसके बाद हिंदू विवाहिता खुद को हानिया नाम से बुलाने लगी। उसको नमाज पढ़ने और दुआ पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई। एक अदद नौकरी और कमाई के चक्कर में करीब 30 भारतीय फिर देश खाड़ी सऊदी अरब में जाकर फंस गए। दलालों के जरिए विदेश में उड़ान भरने वाले ये युवा अब वहां सड़कों पर हैं। ये दर्द भरी तस्वीरें सऊदी के रियाद शहर से सामने आई, जिस कंपनी में ये अपना भविष्य संवारने गए थे, अब उन्हें वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। इनमें से 6 लोग राजस्थान के शेखावटी के हैं। इधर परेशान राजस्थानी युवकों ने वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ। स्पेशल सेल के सूत्र बताते हैं कि अनमोल ने 36 सेकंड का वॉइस नोट जारी कर दिल्ली के कारोबारी को धमकी देते हुए 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। वायरल ऑडियो में अनमोल कह रहा है कि फोन उठा ले, उसमें तेरा ही फायदा रहेगा, नहीं तो अपना और अपने लड़कों का नुकसान कराएगा। हमसे मिलकर चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं करेगा तो तेरी मर्जी, नुकसान तुम्हारा ही होगा, हमारा नहीं। सीमा सुरक्षा बल ने तरन तारण सेक्टर में भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। 23 जून को रात करीब 9 बजे बीएसएफ के जवानों ने तरन तारण जिले के टीजे सिंह गांव के पास एक ड्रोन की आवाजाही का पता लगाया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि निर्धारित अभ्यास के अनुसार सैनिकों ने तुरंत ड्रोन को रोकने के लिए कार्रवाई की। शनिवार सुबह पंजाब पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान में इस बात का खुलासा हुआ। चेन्नई से करीब 1.25 करोड़ रुपए ठगी मामले में तमिलनाडु पुलिस ने बिहार के गोपालगंज जिले में दबिश दी और जिला पुलिस के सहयोग से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु साइबर सेल की टीम और जिला पुलिस की कार्रवाई में मीरगंज थाना क्षेत्र के राजापुर नरेंडिया गांव से सैफ खान और श्रीपुर ओपी के
चौबे परसा से राजराज सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों साइबर अपराधियों की कोर्ट में पेशी के बाद चेन्नई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर वापस चली गई। और अब बढ़ते आगे, नजर डालेंगे मध्य प्रदेश सुपर टेन पर। 27 जून को पीएम मोदी भोपाल आने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम शिवराज ने परिवहन, आवास, पर्यटन समेत अलग अलग व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कहा, लोगों को रुकने और भोजन की व्यवस्था सबसे बेहतर हो, महिलाओं के लिए भी आवास व्यवस्था बेहतर करने की बात की। बारिश को देखते हुए भी पीएम के दौरे को लेकर खास तैयारियां की गई। नीमच में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अनिल नगरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला टोल कर्मी से झगड़ा करती हुई दिखाई दे रही है और नेताजी महाज 51 रुपए की टोल के लिए महिला कर्मचारी से भिड़ते नजर आए। मामला पिपलिया मंडी टोल टैक्स का बताया जा रहा है। वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि कैसे बीजेपी जिला उपाध्यक्ष महिला टोल कर्मचारी से अभद्रता कर रहे हैं और नेताजी धमकी देते हुए कहते हैं, तेरी कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखेगा, तुम मुझे जानती नहीं है, मैं कौन हूं। बदमाश एटीएम और बैंक को आमतौर पर पैसों के लिए निशाना बनाते हैं, लेकिन भिड़ में नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम से रुपयों को नहीं बल्कि बैटरी बैटरी पर हाथ साफ किया। देहात थाना इलाके के बस स्टैंड के पास स्थित एसबीआई एटीएम में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। एटीएम के गेट को तोड़कर बैटरी ले जाते नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए। मामले की तफ्तीश जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 4 महीने का समय बाकी है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं और इस कड़ी में उज्जैन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन कर महाकाल लोक का निरीक्षण किया। इस दौरान गोविंद सिंह ने कहा, महाकाल लोक बनाने में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, 125 करोड़ लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले को जेल भेजना चाहिए। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी किया है। निशा बांगरे पर सरकारी आवास पर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोप हैं। छतरपुर के डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने पिछले दिनों पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद से वो चर्चा में चल रही हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार बड़वानी में सजा है, जहां बड़ी संख्या में बाबा के भक्त शामिल हुए। इस दौरान कई भक्तों की अर्जी बाबा के दरबार में लगी। बाबा का ये दरबार सांसद गजेंद्र पटेल के आह्वान पर लगाया गया। दरबार के दौरान बारिश होती रही, लेकिन फिर भी बाबा के भक्त पंडाल में डटे रहे और दरबार देर रात तक चला। इस दौरान बागेश्वर सरकार ने कई लोगों की अर्जियां लगाई। और खरगोन की बात करेंगे, जहां सरकारी अस्पताल में अंधविश्वास का मामला सामने आया। मामला जिले के जरनिया सरकारी अस्पताल का है। दरअसल अस्पताल में सांप के काटने पर एक युवती को भर्ती कराया गया था। इस दौरान परिजन 2 घंटे तक ओझा को बुलाकर झाड़फूंक करवाते रहे और इस दौरान युवती की हालत बिगड़ने लगी तो जरनिया से जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया। सिवनी में आबकारी विभाग ने करीब 61 लाख रुपए की शराब को बुलडोजर से नष्ट किया। आबकारी आयुक्त के आदेश पर स्प्रिंट की 2170 पेटियां, बियर की 4042 पेटियां पर बुलडोजर चलाकर ने नष्ट किया। कुल 6212 शराब की पेटियों पर बुलडोजर चलाकर इन्हें नष्ट कर दिया गया और नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 61,04,113 रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। जबलपुर, शहडोल और नर्मदापुरम में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी, तो वहीं अगले 4-5 दिनों में मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य बारिश का अनुमान लगाया। एमपी में आज मानसून दस्तक देगा। देवास में बीती रात से हो रही बारिश के बाद शहर में सड़कों की हालत खराब है। हालत इतनी बदतर हो गई कि एक कॉलेज बस कीचड़ में फंस गई और जिससे परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को करीब 1 घंटे की देरी हो गई और बस को कीचड़ से निकालने के लिए जेसीबी बुलवानी पड़ी। कॉलेज के रास्ते पर सड़क न होने की वजह से छात्र छात्राओं की नाराजगी है। दरअसल छात्रों ने यह भी कहा कि सड़क बनाने का वादा तो किया गया था, लेकिन पूरा नहीं किया गया। और आइए बारी है छत्तीसगढ़ सुपर टेन की।
सुकमा को प्रदेश का पहला रॉक गार्डन मिलने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा के दौरे पर आएंगे और प्रदेश के पहले रॉक गार्डन का उद्घाटन करेंगे। अपने दौरे के दौरान वे माता राम रामिन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम जिला मुख्यालय में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत तेज है। भाजपा ने सत्ता में आने पर धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का बड़ा दाव भी खेल दिया, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा सरगर्मी बढ़ी है विश्व हिंदू परिषद की बैठक से। इस बैठक में वीएचपी ने धर्मांतरण, लव जिहाद, मंदिर और गौ हत्या जैसे मुद्दों को लेकर अभियान चलाने की रणनीति बनाई। बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है। वहीं इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि पार्टी इस मामले की जांच करवाएगी। धमतरी में कांग्रेस ने विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीसीसी 2023 और 24 की चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने इस बार प्रदेश में 75 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं पदाधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर प्रदेश प्रभारी शैलजा से अनबन की खबरों पर कहा कि इस मामले का मीडिया में गलत ढंग से प्रचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा की और इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश सरकार के घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर जनता के बीच जाएगी। बस्तर में बड़े माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मॉनसून चलाया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मॉनसून के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मॉनसून में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई गई। पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा बल नक्सलियों से लड़ेंगे। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवान अलर्ट हैं। बारिश में आधुनिक संसाधनों से जवान लैस होंगे। रायपुर को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन 15 सालों से यह काम अटका हुआ है। निगम और प्रदेश की सरकार की ओर से बजट भी पास किया जा चुका है, लेकिन अभी तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया, जिसके चलते अब आम लोगों को काफी परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। कोंडा गांव में मौत के बाद युवक को अपने ही गांव में 2 गज जमीन नसीब नहीं हो पाई। जैतपुरी का 27 साल का युवक अनंत दीवान और उसका भाई धर्म परिवर्तन कर चुके थे, जिसकी वजह से युवक के अंतिम संस्कार में ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। ग्रामीण मृतक का अंतिम संस्कार गांव से बाहर करने पर अड़े थे, जबकि मृतक के परिजन अपने पट्टे की जमीन पर अंतिम संस्कार करना चाहते थे। पुलिस ने मृतक का अंतिम संस्कार कराया। बलरामपुर में आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर दिखाया। दरअसल मीडिया सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया गया और इसे अब मीडिया में दिखाया जा रहा है और वायरल वीडियो बलरामपुर जिले के शरदापुर गांव का है, जहां पर घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गरियाबंद में पुलिस ने तेंदुए के खाल के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर तेंदुए के खाल बेचने जा रहे थे और इस दौरान चुरा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और बढ़ते हैं आगे खेल जगत की खबरों पर, नजर डालेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 में। भारतीय टीम टेस्ट सीरीज से पहले करीब एक हफ्ते के लिए विशेष तरह की ट्रेनिंग लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया बारबाडोस के ब्रिज टाउन में ट्रेनिंग लेगी। भारतीय टीम इसके बाद डोमिनिका में टेस्ट खेलेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को टीम में शामिल नहीं किया गया। टीम से बाहर पुजारा 28 जून से शुरू होने वाली दिलीप ट्रॉफी 2023 में खेलते हुए दिखाई देंगे। दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए नजर आएंगे चेतेश्वर पुजारा। मोनिका बत्रा और जी साथियान की भारतीय जोड़ी ने ट्यूनिस में खेले जा रहे विश्व टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना रखी है और इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के सेड्रिक मिस्नर और युआन वान की जोड़ी को शिकस्त दी है।
आईसीसी आगामी वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान 27 जून को कर सकता है और इस दिन से ठीक 100 दिन बाद 5 अक्टूबर की तारीख है जिस दिन से ड्राफ्ट शेड्यूल के अनुसार वनडे वर्ल्ड कप का आगाज होना है। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला इस मेगा इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल सकती है। वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मुकाबले में श्रीलंका ने ओमान को 10 विकेट से हरा दिया। वानिंदु हसरंगा के आगे ओमान के बल्लेबाज नहीं टिक पाए। हसरंगा ने मैच में 5 विकेट लिए। ओमान की पूरी टीम 98 रन पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह न मिलने पर बल्लेबाज सरफराज खान काफी निराश हैं। सरफराज ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जो काफी वायरल हो रही है। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी सरफराज को टेस्ट में मौका नहीं मिला। पश्चिम बंगाल के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को भारतीय टेस्ट और वनडे टीम में शामिल किया गया है। भारतीय टीम में जगह मिलने के बाद मुकेश ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा, मेरे दिवंगत पिता ये देखकर खुश होंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए युवा यशस्वी जायसवाल को भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली है। टीम में सिलेक्शन पर यशस्वी ने कहा, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। सुरेश रैना ने एक नई पारी की शुरुआत की। उन्होंने यूरोप के एम्स्टर्डम में एक रेस्टोरेंट खोला है। इस भारतीय रेस्टोरेंट को उन्होंने रैना नाम दिया है। रैना ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 16 साल पूरा कर लिए। उन्होंने 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे प्रारूप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। और अब देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे के बाद शनिवार को मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबॉली ने उनका स्वागत किया और पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय राजकीय दौरा है और पीएम मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबॉली के साथ राउंड टेबल बैठक की और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी मुलाकात की। वहीं मिस्र में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में अंतिम कार्यक्रम खत्म हो गया। वो वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद अब मिस्र के लिए रवाना हो गए। उन्होंने भारतवंशियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड बनेगा। भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश का ये सही समय है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग खाना खाने के बाद स्वीट डिश खाते हैं, मैं अपना दौरा आप लोगों से मिलकर समाप्त कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कैनेडी सेंटर में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कैनेडी सेंटर में मौजूद प्रतिभागियों से कहा कि आपने दिखाया कि संकल्प लेकर उसे सिद्धि में कैसे बदला जा सकता है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे अमेरिका आए 4 दिन हो गए। मैं राष्ट्रपति बाइडेन समेत कई कंपनीज के सीईओ के साथ दिग्गजों के साथ मिलने के लिए पहुंचा था। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन इस दौरे की एक और बड़ी सफलता का ऐलान हुआ जिससे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के फ्यूचर प्लान में भारत की अहमियत साफ दिखती है। गूगल और अमेजॉन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बड़े निवेश का ऐलान किया। ऐलान के अनुसार दोनों दिग्गज कंपनियां आने वाले समय में भारत में कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी। चाइना इस मानसून में भारत के नॉर्थ ईस्ट में वाटर बम से हमला कर सकता है। ब्रह्मपुत्र पर चाइना 60,000 मेगावाट का डैम बना रहा है जिससे कि अरुणाचल और असम में पानी छोड़कर वो बाढ़ से तबाही मचा सके। भारत सरकार चीन की इस चाल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने कहा कि चाइना की इस चाल पर हमारी पैने नजर है और उससे निपटने के लिए अरुणाचल में बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। चाइना वाटर बम से हमले की साजिश रच रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड सितंबर में बीजिंग की आधिकारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में पद संभालने के बाद प्रचंड की यह दूसरी विदेश यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने तीसरी बार पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत का दौरा किया। सऊद ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि प्रचंड सितंबर में चीन की आधिकारिक यात्रा करेंगे।
और सुपर 10 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 MPCG।